राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में खबर रायपुर से मिल रही, जहां पर 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा और इसके लिए मतदान चुनाव प्रक्रिया के लिए रायपुर में मतदान सामग्री पहुंच चुकी है। विधानसभा में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतदान सामग्री, एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर लाई गई है, विधानसभा पहुंचाई गई है सामग्री। मतदान सामग्री में मतपेटी, मतपत्र और पेन के साथ साथ बैनर, पोस्टर इत्यादि भी लाया गया है। चूंकि पेन का जिक्र यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि एक विशेष पेन से मतदान यहां पर करना होता है और वो पेन भी खासतौर पर यहां पर लाया गया है। उस पेन के अलावा किसी और से मतपत्र पर लिखने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि किसी और पेन से अगर लिखा जाता है तो ऐसे में उस मत को निरस्त किया जाता है। लिहाजा वो पेन भी बड़ा महत्वपूर्ण है जो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इस्तेमाल होता है। और इसकी तैयारियां हो गई हैं, 18 तारीख को मतदान होना है राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में और इसके लिए तैयारियां हो गई हैं। जो मतदान की सामग्रियां थी वो पूरी सुरक्षा के बीच छत्तीसगढ़ रायपुर पहुंचा दी गई है। पेटी को हम अभी रायपुर एयरपोर्ट में लेके आए विस्तारा की फ्लाइट से और इसको विधानसभा सचिवालय ले जाएंगे और विधानसभा भवन में स्ट्रांग रूम है, वहाँ पहले से तैयार किया गया है, वहाँ पे उसको मतपेटी को रख के सील कर दिया जाएगा और जिस दिन मतदान होगा उस दिन उस मतपेटी को निकाल कर और मतदान के लिए उसमें उपयोग में लाया जाएगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है और इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से जो आवश्यक जो सामग्रियां हैं मतदान कराए जाने को लेकर वो रायपुर पहुंच चुकी है। दिल्ली में आज ही जो है भारत निर्वाचन के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं, जो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है दिनेश त्रिवेदी, उनको जो है ये सामग्रियां सौंपी है। बैलेट पेपर है, बैलेट बॉक्स है, इसके साथ जो अन्य जो आवश्यक सामग्रियां हैं वो सभी जो है रायपुर लाई जा चुकी है और इसको एयरपोर्ट से एस्कॉर्ट करते हुए सारे जो आवश्यक मतदान सामग्री है उनको जो है जो विधानसभा है वहाँ ले जाया जा रहा है। विधानसभा में एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहाँ स्ट्रांग रूम में ये सभी सामग्रियाँ जो है वो रखी जाएगी। और चूंकि 18 जुलाई को मतदान होना है, 21 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे, तो उसको लेकर तैयारी जो है वो काफ़ी पहले से की जा रही थी और आज जो है सभी जो सामग्री जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बैलेट बॉक्स है, इसी बैलेट बॉक्स के जरिए जो है जो चुनाव की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी और ये यहाँ से एस्कॉर्ट करते हुए कड़ी सुरक्षा, चूँकि राष्ट्रपति चुनाव होना है और राष्ट्रपति चुनाव में कड़ी सुरक्षा का यहाँ पर व्यवस्था यहाँ रखी गई है और इसे एस्कॉर्ट करते हुए जो विधानसभा है वहाँ ले जाया जा रहा है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जो उम्मीदवार हैं उनमें से कौन सा प्रत्याशी देश का अगला राष्ट्रपति बनता है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आईएनएच न्यूज़ रायपुर।